भैया एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एन गाइज एक सीक्रेट बताता हूँ अगर आपको भी फेसबुक एड्स में एक प्रॉब्लम आती है कि आपको ऑडियंस सही नहीं मिलती है या फिर आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं बट ऑडियंस सही यू नो इंटरेक्ट हो ही नहीं पा रही ऑडियंस तक रीच आउट हो ही नहीं पा रहा रेलिवेंट ऑडियंस लीड्स बेकार आ रही हैं कन्वर्जन नहीं आ रहे सी टी आर यू नो हाई नहीं जा रहा कॉस्ट पर कन्वर्जन हाई जा रहा है तो एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है सिंपल सा सोल्यूशन क्या है यहाँ पर आपको करना क्या होता है यहाँ पर आपको कोई अपनी वीडियो जो है जिसको आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट आ सकता है काफ़ी वायरल जा सकती है और काफ़ी अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं तो जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं आपकी जिन पे अच्छे व्यूज़ आए हैं जिस पे अच्छा इंगेजमेंट आया है और जो काफ़ी यू you नो know, आपके अकाउंट के हिसाब से वायरल गई है आप उनकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली वीडियो व्यूज़ के बेसिस पे और आपको पता है कि अगर कोई वीडियो आपके प्रोडक्ट के बारे में है और उस पर लोगों ने काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट दिखाया या व्यूज़ किया है फोरगेट अबाउट इंगेजमेंट अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं किया है सिर्फ देखा है वीडियो को तो भी उस ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो और आपको पता है कि अगर पचास हजार व्यूज आए हैं यानी पचास हजार मेरी ऐसी ऑडियंस है जो ऐप से ल्यूटली रिलेवेंट है उस प्रोडक्ट से उस सर्विस से या उस ऑफरिंग से तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको करनी पड़ेगी कि आपको कस्टम ऑडियंस बनानी पड़ेगी वीडियो व्यूज के बेस पर और वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखना मिस बिल्कुल मत करना और ऐसी ही वीडियो के लिए अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को तो कई यहां पर आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर आना है और क्लिक करना है क्रिएट ऑडियंस पे आप में जाना है और क्लिक करना है ऑडियंस पे और यहां पर कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे बट किस बेसिस बेसिस पे पे यहाँ पर है जो भी वीडियो व्यूज के उस पर जो एंगेजमेंट यानी व्यूज आ रहे हैं उसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को रिटारगेट कर सकते हैं या फिर रीमार्केट कर सकते हैं तो इसको क्लिक करना है आपको वीडियो को और क्लिक करना है नेक्स्ट पर तो यहां पर आपको एंगेजमेंट का टाइप चूज करना है चूज अ कॉन्टेंट टाइप देखो अब वीडियो भी अलग अलग लेंथ की होती है और उसी के बेस पे फेसबुक ने यानी मेटा ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट ऑप्शन है पीपल हु व्यूड एटलीस्ट थ्री सेकंड ऑफ योर वीडियो लेट्स से अगर आपकी वीडियो दस सेकंड की है या बीस सेकंड की है और आप चाहते हैं एटलीस्ट तीन सेकंड किसी ने देखा है तो मैं उसको टारगेट करूंगा आप बोलते हैं कि नहीं तीन सेकंड में उसको कुछ नहीं पता चलेगा ज्यादा सेकंड देखना चाहिए तो एटलीस्ट टेन सेकंड जिन लोगों ने देखा है सो so दैट उनको थोड़ा बेटर पता करें या फिर एटलीस्ट उन्होंने पंद्रह सेकंड देखा है आपने बोला कि 30 सेकंड की मेरी वीडियो है और एटलीस्ट 15 सेकंड देखना चाहिए तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि वीडियो को कितनी देर तक देखा है या फिर आपकी वीडियो को एटलीस्ट ट्वेंटी देखा है फिफ्टी देखा है सेवेंटी देखा है या नाइन्टी देखा है अफकोर्स जितनी ज्यादा देर तक वीडियो देखी गई है उतना ज्यादा हाई चांसेज है कि वो उस वीडियो में जो भी आपने समझाया है या एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया है और वो इंटरेस्टेड है तभी उसने वीडियो पूरी देखी अदरवाइज शुरू के 10-15 सेकंड में या 10-15 परसेंटेज वीडियो का पार्ट देख के वो निकल

और चूज करने के बाद यहां पर मैं वीडियोस चूज कर सकता हूं तो वीडियो को मैं चूज कर और यहां पे जितनी भी मेरी वीडियोस हैं या जिन पे उतने व्यूज आए हैं कोई सी भी वीडियो को मैं चूज कर सकता हूं फॉर so एग्जांपल मैं यहां पर ऐसी वीडियो चूज करता हूं जिसपे फाइव थाउजेंड के समथिंग व्यूज है तो ये व्यूज वीडियो है और यहां से इसको मैं कंफर्म कर देता हूं तो यानी अब इस वीडियो का जिसने भी फिफ्टी देखा है उसको मैं रिटार्गेट री या रीमार्केट करना चाहता हूं और लास्ट थ्री डेज में इस वीडियो पे जितने भी व्यूज़ आए हैं और जितों भी 50 परसेंट से ज़्यादा देखा है उन सबको मेरा ये आर्ट दिखाई देगा अब मुझे सिंपली करना क्या है यहाँ पर ऑडियंस का नाम देना है तो मैं नाम दे देता हूँ फिफ्टी परसेंट ऑफ वीडियो व्यूज़ 50% परसेंट ऑफ वीडियो व्यूज़ यहां पर मैंने नाम दे दिया अब यहां पर ज़रूरी नहीं कि आप फिफ्टी करें आप अगर बोलेंगे तीन सेकंड बोला तो तीन सेकंड भी कर सकते हैं तो तीन सेकंड के लिए अगेन आप वीडियो चूज कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन वीडियो कॉन्टेंट और आज की डेट में आपको पता है कि वीडियो कॉन्टेंट सबसे ज्यादा वायरल होता है खासकर रील या फिर शॉर्ट वीडियो कॉन्टेंट तो जरूरी नहीं है कि आप एड के थ्रू लोगों को टारगेट करें ऑर्गेनिकली जो ऑडियंस आपके पास आएगी वो ज्यादा रिलेवेंट होगी और फिर उसको आप अपना एड दिखा सकते हैं तो ये ऑर्गेनिक प्लस पेड़ दोनों का मिक्स है और जब ऑर्गेनिक और पेड़ दोनों की पावर मिलती है तो आपको ऑडियंस सबसे ज्यादा रिलेवेंट मिलता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो गाइज उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और डेफिनेटली इस ट्रिक को यूज करके जरूर देखना और आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा जो भी आप यूजल एक्टिविटी कर रहे हो उससे और अगर आपको बेटर रिजल्ट मिलता है तो वापस आना इस वीडियो पर और कॉमेंट करना थैंक यू सो दैट मुझे पता चले कि मेरी ट्रिक या मेरे इस तरह के जो हैक्स हैं वो आपको हेल्प कर पा रहे हैं अपने फेसबुक ऐड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और उस बेल आइकन को प्रेस भी कर देना सो दैट जितनी भी वीडियोस हम डालने वाले हैं आपके लिए वो आपको मिलती रहे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए टेक केयर थैंक यू सो मच हैव डे